हेलो, तो कैसे आप सब। मेरी तो इस टाइम पे हालत ख़राब हो रखी है। पता है क्या, सुबह ही गए थे हम पद्दर, और पद्दर से आने के बाद जाना था हमने सीधे ही मधु की शादी में। आज मेहंदी उसकी, लेकिन आधा रास्ते से पहुँच गए हम किसी दूसरे की शादी में। मैंने बताया था एक दिन हम गए थे वहाँ पे टॉप पे लोट करा में, वहाँ पे गए हम शादी में। अब जा रहे हम वापसी, मधु कर रही कॉल, जल्दी आओ मेहंदी लगानी है। हमने नहीं उसे बताया कि हम दूसरी शादी को गए, तो अब जाना हमने जल्दी जल्दी। हम पहुँच गए थे नीचे, देखो घर के वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है इतनी ऊपर से नीचे की ओर। और पता है शाम को क्या हुआ, 10 बजे थे उस टाइम पे ना, और ब्रोनो को ले गया उठा के बाग, ख़त्म ही हो गया, वो मिला ही नहीं हमें। ढूंढा हमने रात को, उसी टाइम पे निकले हम बाहर, पर अंधेरे में कुछ पता ही नहीं लग रहा था कहाँ से ले गया वो, कैसे क्या हुआ। बस चीखे सुनाई दी ब्रोनो की और कुछ भी नहीं, वही बचा था गांव में। और फिर सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ा मुझे पानी रखने के लिए, और डर के मारे मैं तो किचन में गई तक नहीं, फिर मेरे को पानी उधर ही रखना पड़ा। और मेरे को डर लग रहा था उस टाइम पे भी, इधर से ना आ जाए मेरे को, ना उठा के ले जाए। शुरू में ही डाल दूँगी उसकी क्लिप सुबह वाली, और मतलब इतनी जल्दी उठना पड़ता है बस के पीछे। सुबह इतने भागे ना, पहली बार इतनी देरी हुई हमें, मतलब जहाँ पे 3 घंटे का सफ़र होता है ना, वो हमने एक मतलब 1 घंटे में पूरा कर दिया, इतने भागे ना। और मैं तो रास्ते में गिरी भी ग्राउंड में, स्कूल के बाद वहाँ पर नेट रखा था, और नेट में मेरे पैर फंस गया दौड़ते दौड़ते, और घुटना बजा मेरा ना, और स्मृति इतनी दर्द, अब चलते टाइम चला भी नहीं रहा, लकड़ी रह गई मैं बन गया, अब नीचे की साइड हो रही है बहुत ही ज़्यादा दर्द। लेकिन ब्रूनो था सबका लाडला गाँव में, पता है। कल जब मैं घर आई थी ना, वो आते ही मेरे साथ खेल रहा था, और उसके बाद मैंने उसे खाने को भी दिया था, लेकिन मैं ब्लॉगिंग कर रही है, वो क्या मंत्र पढ़ रही है। तो ठीक है, चलते अब नीचे की ओर। और अभी नीचे जाना है कपड़े चेंज करने, और उसके बाद जाना हमने मेहंदी लगाने। और हमारी शक्ल देखो कैसी हो रखी है, धूप में भाग दौड़ दौड़ के आज हत्ती होगी। तो यहाँ से देखना जुबान कैसे लेके चले हम सब, ठीक है। दिखाते अब मधु की मेहंदी आपको जाके, हमने तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आज, कभी पद्धर कभी लोट करा में शादी में, और अब जाना है नीचे। यहाँ देखो धूप की वजह से पिंपल भी हो गए मेरे, कोई बात नहीं, तो करते शादी इंजॉय। इतने तो हम लाइफ में कभी दौड़े ही नहीं है जितना आज दौड़े। बस है नीचे पूजा, देरी किसकी वजह से हुई, पूजा की वजह से, यहाँ तक कि मैंने अपना घुटना तक फोड़ दिया है। माँ कसम से इतनी अति होगी ना मुंह की हालत। पहुंच गए फाइनली, हमारी पूजा जी को यहाँ पे जूतियाँ पसंद ही नहीं आ रही। हम कितने शॉप में गए, तीन और चार, प्रीति के पैर छोटे और इसके पैर बड़े, हत्ती हो गया। लास्ट बार ही नहीं आया तो वापसी, ठीक है, पूजा जाएगी घर तक, ये देंगे हम पूजा, ये नहीं चाहिए। फाइनली हमारी पूजा जी को पसंद आ गई जूतियाँ, ये वाली प्रीति सेल्फी नहीं क्यों बना रही है, पूजा को शर्म लग रही है। ये थक गए हैं, वो भी गिफ्ट उठा उठा के यहाँ पे, उनको गिफ्ट पसंद नहीं आ रही है, क्या लिया जाए। देखिए रबीना का चेहरा कैसे उतर गया है, सच में मेरी होगी अति, हम थक गए बहुत ज्यादा, मेरे वहाँ होगी भारी गिफ्ट है ना। पूजा बोलो मैं इसका कुछ नहीं बैठ गई, मुझे दिल है यार तलक रे प्यारा इसको चीज ये मां दे वो ना वो ना वो ना
ऐसे अपनी पलटन गिफ्ट डालिए सबने हाथ में, और फिर जाना था और शादी में। यहाँ देखो इनकी हालत खराब हो गई, लेकिन नहीं तब भी मेकअप करना वाला अब घर जाके। ये डाला था मैंने पर मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, मेरे जितना ही है ये। लो जी हो गया, हम तैयार और चल पड़े हम फिर से। हमें नहीं आराम ही, हम जा रहे अब मधु की मेहंदी में। मैंने बताया था मुँह धो के लग रहा है ना कुछ अच्छा। अब बाजार में जाके धूप में पूरा दिन काला हो गया था मुँह। ये वो वाला सूट था जो मैंने खुद से सिलाया फर्स्ट बारी, पूजा के पास जा जाके दिमाग खराब कर करके उसका। दो शादी इकट्ठे, ये बड़ी दीदी और ये मधु हमारी फ्रेंड, और ये इसकी ताऊ की बेटी।